प्रदेश के स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर माहौल लगातार गर्माता ही जा रहा है। जहां अकबर और महाराणा प्रताप की महानता को लेकर विवाद चल रहा था, वहीं अब वीर सावरकर को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है। साथ ही कक्षा 8 की अंग्रेजी की किताब का कवर पेज बदलने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कवर पेज पर सती प्रथा के चित्र को बदला जा रहा है और इसी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर गलत इतिहास पढ़ाने का आरोप लगाया है। पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से बात की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। प्रदेश में हर 5 साल में सरकार में परिवर्तन होता है, ऐसे में ही स्कूली पाठ्यक्रम में लगातार इनकी परिवर्तन देखने को मिलता है। जहां इस बार कांग्रेस की सरकार आने के बाद में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया, जहां अकबर महान और महाराणा प्रताप महान को लेकर इनकी काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं हैं, उसी को लेकर वीर सावरकर को लेकर इनकी राजनीतिक चर्चाएँ गर्मा चुकी है। हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा की किस प्रकार जो वीर सावरकर को लेकर बदलाव किया गया। मंत्री जी, किस प्रकार जो बदलाव किया गया वीर सावरकर को लेकर, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? पिछले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने पाठ्यक्रमों में बदलाव किए थे, और वो पाठ्यक्रमों में जो बदलाव किए थे वो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किए गए थे। जब सरकार बनी तो ये सतत प्रक्रिया है, पाठ्यक्रमों की समीक्षा होती रहनी चाहिए, नवाचार के लिए भी होना चाहिए, केंद्र सरकार से भी मानव संसाधन मंत्रालय से कोई निर्देश आते हैं तो उसमें भी जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए। तो ये जब समीक्षा के लिए समिति बनी तो उसने पाया कि जो सावरकर जी के लिए इन्होंने लिखा था वो गलत तथ्य थे, जो सही तथ्य इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो समिति ने अभिशंसा की और उसके हिसाब से पाठ्य पुस्तकों में वो चीज आई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने वाली सी बात होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इनके पास क्या है कि ये मुद्दे विहीन लोग हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल झूठ पे, पाखंड पे, भाई को भाई से लड़ाने पे, धर्म पे, इसके ऊपर अपनी सियासत करते हैं और अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। अकबर महान और महाराणा प्रताप महान को लेकर भी लगातार जो राजनीतिक चर्चाएं हैं उसको लेकर किस प्रकार? वो भी उन्होंने गलत रूप से अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चलाया था। महाराणा प्रताप के बारे में जो सत्य है वो आज भी हमने अंकित किया है, पहले भी अंकित था। महाराणा प्रताप की जो गौरव गाथा है, उनका यश है, उनका जो शौर्य है, उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। इनको कैसे शक हुआ मेरे तो समझ में नहीं आया। आप महाराणा प्रताप के बारे में जो अब नया पाठ्यक्रम आया है उसमें आप देखिए, कहीं कोई कमी लगे तो मुझे बताइए। और जिस प्रकार से सावरकर के बारे में इन्होंने जो आपत्तियां ये कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि सन 1947 से लेकर के आपकी यहाँ सरकारें रही, भैरू सिंह जी भी द्वार मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी भी रही, पहले घनश्याम तिवाड़ी जी भी शिक्षा मंत्री रहे, अन्य भी रहे, उन्होंने तो नहीं लिखा। देवनानी जी को कहाँ से सुधबुद आ गई कि उन्होंने 2016 में ये परिवर्तन करवा दिया? तो मैं समझता हूँ जो चीज़ गलत है उसको ठीक करना हमारा विभाग का काम है, और शिक्षाविदों की समिति ने जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो ठीक करने का काम किया है। इसमें किसी को एतराज होता हो तो हो। पाठ्यक्रम के साथ साथ इनकी पिछली सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म भी चेंज की है, तो क्या इस बार भी ऐसा परिवर्तन हो सकता है या फिर उसमें कुछ करने के लिए नियम कानून का बन रहे हैं ऐसे? किसी भी चीज़ के परिवर्तन के लिए पहले शिक्षा विदों से या जो भी समिति बनती है उससे उसकी समीक्षा कराई जाती है, और जो जनहित में होता है वही परिवर्तन किया जाता है। तो जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे हम उसको एग्जामिन कराएंगे और समिति बना करके एग्जामिन होने के उपरांत जो ठीक होगा, जो जनहित में होगा वो काम हम करेंगे, हम राजनीतिक चश्मे से कोई काम नहीं करें। तो ये कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कि राजनीतिकरण नहीं होके प्रदेश के स्कूल बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूली शिक्षा प्रदान की जा रही है। जयपुर से दिनेश मेहरा के साथ लोकेश ओला, A1 TV।